हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वैज्ञानिक विधियों में प्राक कल्पना का स्थान पढ़ेंगे। प्राक कल्पना को वैज्ञानिक आगमन का आधार माना गया है। कोई वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के क्रम में प्राक कल्पना को अपना कर ही आगे बढ़ता है। सच तो यह है कि किसी भी वैज्ञानिक आगमन में प्राक कल्पना का महत्व होता है। दूसरे शब्दों में प्राक कल्पना वैज्ञानिक आगमन का प्रारंभिक बिंदु है। पूर्व कल्पना का निर्माण आविष्कार की प्रतिमा पर निर्भर करता है। जिन आविष्कारों के अंतर्गत दूरदर्शिता, प्रतिभा तथा मौलिकता होती है, वे प्राकृतिक घटनाओं को देखकर कार्य कारण संबंध के विषय में प्राक कल्पना का निर्माण करते हैं। पूर्व कल्पना ही सत्यापित होकर सामान्य नियम का रूप धारण कर लेती है। मिल की प्रयोगात्मक विधियां पूर्व कल्पना से ही आरंभ होती है और प्रयोगात्मक प्रयासों से स्थापित होकर पूर्व कल्पना सामान्य वाक्य बन जाती है। प्राक कल्पना के निर्माण में निम्नलिखित विधियां महत्वपूर्ण मानी गई है। पहला पॉइंट, सरल गणनात्मक आगमन। दूसरा है अन्वय विधि। तीसरा है सादृश्य विधि। चौथा है सहचारी परिवर्तन विधि। पांचवा है अवशेष विधि। पूर्व कल्पना के कुछ आवश्यक बातें निम्नलिखित है। पहला, नियम के विषय में प्राक कल्पना प्रायः पूर्व कल्पना करने के पूर्व हमें योजना या नियम को जानना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट, कर्ता के विषय में पूर्व कल्पना हमें जिस घटना की जानकारी करनी होती है उसके कर्तव्य के बारे में संबंध समझना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के घर में चोरी होती है तो इसके लिए किसी कर्ता पर संदेह करना जरूरी होता है, भले ही हमारा अनुमान असत्य सिद्ध हो जाए। अतः कर्ता के विषय में पूर्व कल्पना की अहम भूमिका होती है। तीसरा पॉइंट, परिस्थितियों में
परिस्थितियों के विषय में पूर्व कल्पना। हमें अगर कर्ता और उसके नियम ज्ञात रहे और परिस्थिति की जानकारी नहीं रहे तो अनुसंधान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः परिस्थितियों की जानकारी भी अनुसंधान का होना जरूरी होता है। प्राक कल्पना की प्रामाणिकता। पूर्व कल्पना में की प्रामाणिकता की स्थितियां निम्नलिखित होती है। पहला पॉइंट है आत्मविरोध का अभाव। पूर्व कल्पना को आत्मसंयम होना चाहिए, ना कि उसके विरोधी हो, क्योंकि आत्मविरोधी कल्पना प्रमाणित नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे घर से कोई वस्तु की चोरी हो जाए और हम कल्पना करें कि कोई अदृश्य शक्ति उस वस्तु को उठा कर ले गया होगा, तो यह हास्यास्पद और आत्मविरोधी कल्पना होगी, पूर्व कल्पना होगी। दूसरा पॉइंट, स्थापित सत्यों के विरोध ना होना। वस्तुतः पूर्व कल्पना की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर होती है कि वह नियमों के अनुकूल है या नहीं। उदाहरण के लिए, भौतिक घटनाएं भूत प्रेत के कारण नहीं होती है। आज का विज्ञान दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, अतः ऐसे समय में हमारी कल्पना स्थापित नियमों के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, निश्चितता एवं अस्पष्टता। चूंकि अनिश्चितता और अस्पष्टता पूर्व कल्पना को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, अतः पूर्व कल्पना हमेशा निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कहा जाए कि सांप्रदायिक तनाव के कारण होता है, तो तनाव का अभिप्राय निश्चित किए बिना पूर्व कल्पना की जांच नहीं की जा सकती है। चौथा पॉइंट, तथ्यों पर आधारित वास्तविक कारण। प्रायः कर्ता या कारण के बारे में प्रमाणित पूर्व कल्पना वह कहलाती है जो तथ्यों पर आधारित वास्तविक कारण हो। कभी कभी कुछ घटनाओं के अंतर्गत सच्चा कारण प्रत्यक्षीकरण का विषय नहीं होता है, अतः पूर्व कल्पना को तर्कयुक्त बुद्धि सभ्य तथा तथ्यों के अनुरूप होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, जांच। पूर्व कल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका वेरिफिकेशन जांच संभव हो नहीं हो, पूर्व कल्पना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
पूर्व कल्पना के प्रमाणित प्रमाण निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट है सत्यापन, दूसरा है प्रत्यक्ष सत्यापन, तीसरा है निरीक्षण, चौथा है प्रयोग, पांचवा है परोक्ष सत्यापन, छठा है निर्णायक दृष्टांत द्वारा जांच। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी।